गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप सबको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अव्यक्त और माध्यम का पाठ एक जन संचार माध्यम के बारे में बताऊंगी। तो आइए पहले जानते हैं कि संचार है क्या। हम चाहें न चाहें अपने दैनिक जीवन में हम संचार किए बिना नहीं रह सकते। वास्तव में संचार के बिना जीवन असंभव है। मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार करता है। संचार समाप्ति का अर्थ है मनुष्य और उसकी बौद्धिक दुनिया का अंत। संसार के सभी प्राणी संचार करते हैं, किंतु मनुष्य की संचार क्षमता और कौशल अत्युत्तम है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार के विभिन्न प्रकार हैं, सांकेतिक संचार, समूह संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार और जन संचार। तो आइए हम पहले सीखते हैं जन संचार क्या है। जन संचार माध्यम के अंतर्गत किसी भी सूचना या संदेश को विभिन्न कृत्रिम माध्यमों के द्वारा विशाल जन समूह तक पहुंचाते हैं। जन संचार के इन कृत्रिम माध्यमों में प्रमुख हैं जैसे हमारे रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, समाचार पत्र, सिनेमा, टेलीफोन और फैक्स। इन माध्यमों ने किसी भी सूचना या संदेश के आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की दूरी और समय को अत्यंत कम कर दिया है। बच्चों, इनसे संबंधित ये जो प्रश्नों के उत्तर हैं, ये सब आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, क्योंकि यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सारे जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो सब आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और अच्छी तरह से इनको याद कीजिएगा। धन्यवाद।